याद है मकर संक्रांति एवरीवन, हमारे इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है काइट फ्लाइंग का, जो कि बहुत जोरों शोरों से सब सेलिब्रेट करते हैं पतंग उड़ा के। बट उस पतंग उड़ाने के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि जब जो मांझा जो कटता है पतंग का, जब पतंग नीचे आती है तो मांझा जब जो वायर्स में फंस जाता है, पेड़ में फंस जाता है, उससे काफ़ी लोगों को भी डैमेज होता है, काफ़ी बर्ड्स को भी होता है, डॉग्स को भी होता है और बाकी सारे जो एनिमल्स हैं उनको भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है हमें पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, हमें पतंग उड़ानी चाहिए, बट हमें ओपन ग्राउंड्स में उड़ानी चाहिए कि जहाँ पे बर्ड्स एनिमल्स या लोगों को प्रॉब्लम ना हो। वो मांझे की वजह से काफ़ी सारे बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है, बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं कि जो बाइकर्स रहते हैं उनकी बाइक में या उनके नेक में मांझा फंस जाता है, उसकी वजह से मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। सो वॉच द वीडियो अहेड एंड स्टे सेफ दिस मकर संक्रांति। जब या तो कोई बर्ड्स लेके आते हैं तो आप कैसे ट्रीट करते हो? मतलब वो सबसे पहले डॉक्टर आते हैं, वो हम लोग को जैसे बोलते हैं हम लोग वैसे करते हैं। अच्छा, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होना तो डॉक्टर कुछ और करता है, हम लोग पकड़ते हैं और अभी डॉक्टर को वीडियो चाहिए, मतलब वो अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मतलब जो छोटे बच्चे लोग उनको दिखा नहीं है कि मतलब अभी हम लोग को पतंग नहीं चलानी चाहिए, अगर पतंग चलाते तो ये बर्ड्स में सब कैसे होते हैं, तो इसलिए हम लोग सब डॉक्टर साहब के फ़ोन में वीडियो निकालते हैं और वो लेके जाते हैं और उसको प्रोजेक्ट है ना वहाँ दिखाते बच्चे को। तो ये साल बर्ड्स ज़्यादा कम है, बहुत कम आ रहे हैं, मतलब हर साल हम लोग 30-40 आते हैं, ये से और कम कम होते जा रहे हैं, कल सिर्फ 4 आए, आज सिर्फ 2 ही आए, कम होते जा रहे हैं। आप हमें दिखा सकते हो बर्ड्स? क्या डैमेज हुआ था इसको? हाँ, बिल्कुल इनको राइट विंग फ्रैक्चर है राइट विंग में, तो अभी ये उड़ नहीं पाएगा, अभी जब मतलब ठीक होगा तभी उड़ पाएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच।